नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बॉलीवुड में हुए हैशटैग मीटू अभियान से तो हर कोई वाकिफ है। ये मामला पूरे मीडिया में छाया हुआ था। राजनीति से लेकर बॉलीवुड की दुनिया तक के कई नामी हस्ती इस आरोप में शामिल थे। पूरे देश में सिर्फ हैशटैग मीटू अभियान की ही बात की जा रही थी। इसके बाद अब सिर्फ हैशटैग मेंटू अभियान इन दिनों मीडिया के खबरों का विषय बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एक्टर करण ओबराय की, जिनके ऊपर एक महिला एस्क्लोजर ने रेप और जबरन वसूली का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। एक्टर करण ओबराय ने शुक्रवार को यानी कि 10 मई को जमानत की अर्जी दे दी है। आपको बता दें कि वो रेप और जबरन वसूली के आरोपों में गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। उन पर ये आरोप एक महिला एस्क्लोजर ने लगाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। करण ने अपनी अर्जी में एफआईआर को झूठा और उन्हें परेशान करने के लिए उठाया गया कदम बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरोपों को लगाने वाली महिला से उनका जो भी रिश्ता था वो उनकी मर्जी से था। करण के वकील दिनेश तिवारी ने बताया कि बेल पर सुनवाई अगले हफ्ते कोर्ट हॉलीडे से पहले होगी। उन्होंने बताया, मेरे क्लाइंट के खिलाफ केस फर्जी है और ये दोनों के बीच मैसेजेस को देखकर पता चलता है। करण पर ये आरोप लगा है कि उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर से सीरियस रिलेशनशिप का कमिटमेंट किया था। हालांकि करण ने अपनी जमानत याचिका में इस बात को नकार दिया। याचिका के मुताबिक करण और आरोप लगाने वाली महिला एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। इससे साफ होता है कि दोनों ही पार्टीज रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं थी। याचिका में दोनों के बीच मैसेजेस की कॉपी भी अटैच की गई। करण ने याचिका में लिखा कि इससे साफ होता है कि उन्होंने कभी जबरदस्ती नहीं की। बेल याचिका के मुताबिक महिला काला जादू करने का दावा करती थी और करण को धमकाती थी। उनके टॉर्चर करने से तंग आकर उन्होंने महिला को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। करण के मुताबिक वो उन्हें अलग अलग नंबरों से लगातार कॉन्टेक्ट करती रही। करण की तरफ से पेश की गई डॉक्यूमेंट्स में ये जानकारी भी दी गई कि उन्होंने महिला से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि महिला उन्हें खुद अट्रैक्ट करने के लिए खुद से गिफ्ट दिया करती थी। करण ओबराय मामले में उनके समर्थन के लिए कई सेलिब्रिटी आगे आ रहे हैं। एक्ट्रेस पूजा वेदी ने तो यहाँ तक कह दिया, ये वक्त हैशटैग मेंटू मुहिम शुरू करने का है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव खबर।